सो वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम AI का यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करने वाले हैं। तो आप में से जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्होंने ये फ़ोटोज़ तो ज़रूर देखी होंगी। तो इन फ़ोटोज़ में क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो फेक हैं, और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रियल हैं, पर हम देखेंगे। जैसे कि आप इस वाली फ़ोटो को देख लो, इस वाली फ़ोटो में मैंने क्या है, जितनी भी रिवर है ना नीचे का जो हमने एरिया बना रखा है, ये सारा का सारा फेक है। क्योंकि इस फ़ोटो में अगर ये रिवर नहीं होती तो ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा फीकी लगती है, बहुत ज़्यादा एकदम रुखी सूखी लगती है, कोई देखता भी नहीं इस चीज़ को। तो हम देखेंगे कि आखिर AI की मदद से आप किस तरह से इस तरह की फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना फ़ोन उठा लेना, और फ़ोन में आपको जाना है क्रोम पर। अच्छा एक मिनट, ठीक है। तो क्रोम में सबसे पहले आपको सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर Firefly Adobe बीटा सबसे टॉप पे आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा। इस पेज में हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है सारा का सारा। तो सबसे पहले अपलोड इमेज, और आपको जोन सी भी इमेज लेनी है। तो अभी जैसे मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाई थी अपनी, तो उन्हीं में से मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। तो अगर यहाँ ना मिले तो ब्राउज़ कर लेना अपने में। तो ब्राउज़र में जैसे कि ये वाली इमेज है। अच्छा एक चीज़ और क्या है ना, ये थोड़ा सा वेबसाइट पे काम करता था तो थोड़ा बहुत ये तो लैक होगा, और थोड़ा बहुत कभी करके हैंग होता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग चल रही होती है इसकी। अच्छा इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो ऐसे जूम कर सकते हो अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो। यहाँ पे इस साइड में इंसर्ट का बटन दे रखा है, इंसर्ट पे जाके आपको जस्ट नीचे वाले एरिया पे ऐसे फिंगर से सिलेक्शन बनाना है। तो आप इस सारे का सारा सिलेक्शन बना लोगे इस तरह से, आराम से बनाना बढ़िया तरीके से। जो जो आपको एरिया सेलेक्ट करना है, जो जो आप रिप्लेस करना चाहते हो उस जगह को, बस उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना। फिर डाउन में आओगे तो थोड़ा सा नीचे में देखो, यहाँ पे है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट। जिस तरह की आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो, उस तरह की चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई रिवर आ जाए, रिवर विद रिफ्लेक्शन। मैं चाहता हूँ कि रिवर भी आए साथ में, मेरा जो रिफ्लेक्शन है वो भी उस रिवर में दिखाई दे। देन उसके बाद बस जनरेट। तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लेता है करने में। अच्छा अगर टाइम हो ही रहा है तो बीच में अगर आपको टाइम मिले तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उसमें। वैसे भी बहुत जिन्होंने मेरे को फॉलो नहीं कर रखा। सो दोस्तों अभी तो हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुका है, पर क्या है ये रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा ख़राब आया, क्योंकि क्या है ना ये AI है अपने हिसाब से चलेगा। तो पर साथ साथ में हमारे पास नीचे में ये देखो चार ऑप्शन और दे रखे हैं, आपको अपनी तरफ से जौन सी चीज़ बेस्ट लगे इसके अंदर, जौन सा अच्छा लगे। जैसे कि मैं अगर तीसरे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाँ देखो तीसरा वाला फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर निकाला है इसने पहले वालों से। तो और वैसे फोर्थ वाला भी अच्छा है, जौन से भी आपको अच्छा लगे जस्ट इस कीप बटन पे क्लिक कर देना, और ये क्या है आपका उस तरफ में फिक्स हो जाएगा। अगर आप और भी कुछ चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे आप सबने अगर गौर कराओ मेरी इस फ़ोटो में तो मैंने और भी चीज़ें ऐड कर रखी थी, जैसे इस पेड़ की तरफ मैंने एक गिलहरी ऐड कर रखी थी। आप चाहो तो कोई मंकी अंकी, जैसे कि अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर देता हूँ, और एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा कोशिश करना कि उस तरह का ना थोड़ा सेप बना सको। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, देन एक मिनट थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मांग की जस्ट जनरेट। थोड़ा बहुत इसमें भी टाइम लेगा और करूँगा मैं। तो देखो किस तरह का हमारे सामने मंकी बन के आ गया। वैसे तो ये थोड़ा सा नकली लग रहा है, पर अगर मैं सेकंड में देखूँ तो ये फिर भी थोड़ा बहुत बेटर है। थर्ड फोर्थ, हाँ ये लास्ट वाला बढ़िया है। अब तुम ये मत बोलना कि दो बंदर एक साथ हैं ना। अच्छा अब इन फ़ोटोज़ को अगर आपको डाउनलोड करना हो, ऊपर हमारे क्या डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले वो ऑप्शन पे बस क्लिक, और ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा। तो ये हमारे फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा इस फ़ोटो में ना क्या है, एक छोटी सी दिक्कत आती है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा फ्री है हमारे लिए, कोई सी कुछ भी नहीं मांगे हमसे। तो बस क्या है लास्ट में ये यहाँ पे हमारे पास Adobe Firefly बीटा का एक छोटा सा लोगो देता है। तो इसी तरह से अगर मैं एक दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँ, तो मैंने अभी ये वाली फ़ोटो है, तो आपने इस वाली फ़ोटो को भी देखा होगा इंस्टाग्राम पर आपने ये लोहे की जो क्या कहते हैं, हमारे तो सरिया कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं भाई, तो ये जो सरिया आ रहे हैं, मैं अगर इस सरिया को हटाना चाहूँ तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ AI के यूज़ करके। देखो यहाँ पे क्या कोने में एक रिमूव टूल आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना, और वैसे ही जैसे सिलेक्शन बनाया था ना अपने फिंगर से, बस अपनी फिंगर से इस चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करते चल जाना, एक यहाँ से। अच्छा थोड़ा सिलेक्शन अच्छे से करना, थोड़ा सा भी रह जाएगा ना तो वो AI क्या करेगा, उसको कुछ और चीज़ बनाने की सोचेगा, मतलब जो भी चीज़ वो बन सकती है उधर। तो मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया, रिमूव का एक नीचे बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना। तो
अब ये हमारे सामने आ चुकी है फ़ोटो, तो देखो कितने अच्छे तरीके से, पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ सामने चीज़ थी कि नहीं थी। अच्छा एक चीज़ और गौर करो आपने, इसने क्या है मेरी जो फिंगर के ऊपर जो आ रखा था एरिया उसको भी दोबारा क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट वाली में देखोगे तो इसने फिंगर इस तरह से क्रिएट कर रखी है, जिस जिस एरिया पे था उसने क्या उस एरिया को दोबारा से बनाया है। इससे क्या है हमारा एरिया फेक लग नहीं रहा कुछ भी। आपको जौन सा बढ़िया लगे वाले को ओके करके कीप कर देना, और ऐसे ही आप मतलब किसी भी चीज़ को कुछ भी बना सकते हो। सो दोस्तों अभी हम देख चुके हैं कि हम AI की यूज़ से हम फोटोज़ को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो कहीं माउंटेन लगा दो, कहीं रिवर लगा दो, किसी के साथ में कोई कार खड़ी कर दो, या किसी के बाल नहीं है सर पे तो किसी के बाल लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, लाइक करना, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है तो आप सबके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में बताना जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, और ऐसी फ़ोटो के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। एक बात और, अगर आपको बताना कि अगर आपको AI के ऊपर एक नई वीडियो और चाहिए हो सेकेंड पार्ट में, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।